आज आम बनवा मात्र 15 रु 20 मिनिट भितर बनी जा फुलकोबी मुसमुसिया बरा जहाँ को आपण मैंने 8 रु 10 दिन पर्यटन रखिकी खाईपर यह बरा एत स्वादिष्ट कि आपण को बिरी बरा भी फिका लगे और यह सहित आम बनवा गोटे राग राग चटपटा चटनी जहाँ को आपण मैंने बरा रुटी परटा भात सहित खाइबे बहुत बढ़िया लगे। वीडियो को संपूर्ण देखापी अनुरोध रहा। नमस्कार लता ओडिया किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। ताले प्रथमे आमे चटनी बनेबा तो चटनी बनिया पई फ्लेम ऑन करके बसे गोटे फ्राई पैन आउ सेथिरे मु देजी 3टा सुखिला लंका तो तेल दबानी सुखिला लंका को एभली सुखिला आमे भाजी नबा। एभली सुखिला लंका को भाजी के दबा द्वारा चटनी रो फ्लेवर टा बहुत बढ़िया आसीबो। तड़ी देखंतु क्रिस्पी हे की भाजी हे गला एबे आमे ए सुखिला लंका को गोटे मिक्सिंग बाउल रे रखी के ठंडा करबा आउ एपटे से सेम फ्राई पैन मु नेजी आउ सेथिरे 8-10 कला रसुण दबा आउ ताकु टिके कलर हला पर्यंत भाजी नबा। तेल दबानी यही सुखिला ही भाजवा आर फ्लेवर एमती भाजिले बहुत बढ़िया आसो भाजी गला एवं आम रसुण को बाहर करना तो एपटे सुखिला लंका थंडा हो जाकू कौन करवा हाथ में यही गुंड करना आपण मैंने राग खाइबे से हिसाब से सुखिला लंका व्यवहार करेंगे तो लंका को मुझे गुंड कर नी हाथ में तापर रसुण को आम से आपटे चटनी मुझे पाचिला लाल फ्रेश टमाटो तो मुझे 8टा मीडियम साइज रही आपण मैंने कम अधिया करेंगे मैंने केते चटनी बनइबे से हिसाब से टमाटो ने तो टमाटो को प्रथम गोटा धोई ने यही दुई फाड़ लेखाएं करके काटिने। दर्शक बंधु आज रेसीपी जदि आपन को पसंद आसो वीडियो को लाइक करेंगे सेयार करेंगे चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करे फेसबुक पेज रे देखुले फॉलो तो निश्चय करेंगे। सब टमाटो काटिके रेडीगला आपको साइड रखा जावा नेक्स्ट स्टेप को एपटे पुणी थे फ्लेम ऑन करके बसी से सेम फ्राई पैन आउ पैन गरम होगापर गोटे छोट चामच दबा सोरस तेल आउ टमाटो जो काटिक रखी ताकू सब आम पैन रेद तो टमाटर मझी पार्टा को तलपट को रखा आउ एमें अल्प टिके लुण देदे जहाद्वारा कि टमाटो आमर जल्दी सीझीज एवं आम एक कभर करदे आउ गैस फ्लेम को लो टू मीडियम करके टमाटो को सीझापी छाड़ा मानते टमाटर गोटे साइड जमी सीझीज से पर्यटन छाड़ा कि समय पर टमाटर तलपट सैडटा सीझीगला ओल्टे नवा आ पुणी थे लो टू मीडियम रखिकी कभर करके आउ गोटे पाक सीझापी छाड़ा आउ कि समय सीझिला टमाटो ये दुई पाखर बढ़िया भाव में सीझी जा तो उल्टो पल्टो करके आपने टमाटो को बढ़िया भाव में सीझे ने तो टमाटो सीझीगला टमाटर चोपा ऑटोमेटिक बाहरी आसो आपण कौन करेंगे टमाटर चोपा को बाहर करने जहाद्वारा कि टमाटो चटनी एकदम स्मूथ बनब ये टमाटर चोपा बाहर गला टमाटो भलि सीझी भी गला एवं गैस फ्लेम को अफ करवा आ टमाटो भजा को आम सेम मिक्सिंग बाउल रखा जो थी कि आम रसुण और सुखिला लंका रखी एवं टमाटो भजा को भल भाव चकड़ी ना तो से गोटे पटाटो मैशर यूज करती पटाटो मैशर ना आपड़ मैंने स्टील ग्लास पछपटे चकटि पारे नाई तो भजा टमाटो को थंडा होगा हाथ में चकटि पारे जदि टमाटो बढ़िया भाव में सीझी जाइए तेल अति आराम से चकटी होपण को आई टमाटो चटनी को ग्राइंड कराक पड़बनी। तैयारी देखो एकदम प्लेन करके मुझे चकटी नहीं कनसीस्टेन्सी देखो एमती ही रोज एर पानी देवा दरकार नहीं आम एर अलग सब जिन आड करवा एम दे कटाई धनिया पत्र कटा कंचा लंका कटा प्याज तो कंचा लंका कम ना कहीं सुखिला लंका आम नहींचे और प्याज ये मुझे गोटे मीडियम साइज रही स्वाद अनुजाई देदे लुण टमाटो भजा में लुण पकईले देखिक पकेबे चटपटा टेस्ट आने पर 1/4 टीस्पून रहा बीट लुण आउ गोटे छोट चामच देदे सोरस तेल आउ टे चटपटा टेस्ट आने पर छोट फाड़े लेंबू को ये चिपुड़ी ना जदि आपण टमाटो अधिक खटा थी लेंबू चिपुड़ा दरकार ना जदि टमाटो खटा नेंबू निश्चय टी चिपुड़े एवं आम एक भल भाव गोलई ना जदि आपण मैंने भात खायापी चटनी बनाऊे ना तो बड़ी टी भाजिक गुंड करके पकईबे देखिए बहुत बढ़िया लगे तो गोल सारापर ये आम राग राग चटपटा चटनी एकदम रेडी आपको आम रखा सैड्रे जा बरा बनवा प्रोसेस को फुलकोबी बरा बनवाई एठी मुझे नहीं गोटे मीडियम साइज़र फुलकोबी जहाँकि ग्राम्स 400 ग्राम रही गोटा फुलकोबी यही बड़ बड़ साइज़र पाखुड़ा को अलग अलग करेबे आउतापर ताको प्लेन पानी रे धोईकी गरम पानी रे धोई ने जहाँ भी फुलकोबी रेसीपी बनातु ना कहीं फुलकोबी को निश्चय भलरे धोबे एवं मुझे गोटे ग्रेटर आउ ग्रेटर एवं फुलकोबी पाखुड़ा गुड़ाक आम ग्रेट करना कोरी ना अति सहजरे कोरी जदि यही ग्रेटर नाला आपण मैंने फुलकोबी को छोट छोट कर काटिने आउ मिक्सिंग जारे देकी पल्स मोड्रे कि सेकेंड पर ग्राइंड करने
और ध्यान रखिए जदि आपलकोबी की ग्रेट करेंगे यही बड़ बड़ पाखुड़ा रखिए जहाद्वारा कि आपजे फुलकोबी को ग्रेट करेंगे। फुलकोबीर डेम्फ सह आपने ग्रेट करेंगे जदि आपको फुलकोबीर डेम्फ पसंद लगुन तेल आपके न पारती कितु ध्यान रखिए फुलकोबीर बड़ बड़ पीसेस रही न जाए एकदम प्लेन करके ग्रेट करने तो यही भाव में मुझे सब फुलकोबी को कोरी नहीं आम फुलकोबी कोरा को रखा साइड में जीवा नेक्स्ट स्टेप को एपटे फ्लेम अन करके बस गोटे कड़ई और कड़े गरम है गोटे छोट चामच तेल तेल गरम होगा गोटे छोट चामच गोटा जीरा और बरा अधिक फ्लेवरफुल बनवाई आम दबा अधा छोटे चामच जुआनी एमती भी जुआनी डाइजेशन बहुत बढ़िया और ता सहित आम दबा गोटे बड़ चामच धड़ा राशि बरा देखा सुंदर लगे टेस्ट भी भल आस सब जिनस को आम कि सेकेंड भाजी ना पोड़े या गोटे बढ़िया बास्ना जिते आसीजना एमें दबा गोटे मीडियम सैज्र कटाई पिज आउ कटाई गोटे कंचा लंका गैस फ्लेम को आम मीडियम रखा आउ पिज को किसी समय पर भाजी ना हाल्का कलर आसला पर्यटन भाजवा अधिक पोड़ी पिज को भाजवा दरकार ना पिज टी भाजीगला एम दबा दुई गिना पा तो पा को मापियापी आपणसी गोटे गिना कप हो ग्लास हो सेट करूँ जो थी पा मापिकी ने बरा को आहरी सुआदिया आ फ्लेवरफुल करने गोटे इंच रंबकषी अदा ताको ग्रेड करके मुझे जदि आंबकषी अदा नाले आपन अदा ये नहीं पारे एबे आम एर देद गोटे छोट चामच चिली फ्लेक्स जदि आपने राग खाती छोट पा घर अच्छा तेल चिली फ्लेक्स पकईबे स्किप करेंगे आउद स्वाद अनुजाई लुण एसब को गोल ना आउ गैस फ्लेम को हाई करदे आ गोटे फुटा आसला पर्यटन फुटे ना जिते ये फुटिजी तापर आम जो फुलकोबी को रखी से फुलकोबी कोरा को ये देद तो पुणी थे आपको गोल ना आउ गैस फ्लेम को हाई करी आउ गोटे फुटा आसला पर्यटन अपेक्षा करवा तो फुलकोबी को ये सीझेबे केवल गोटे फुटा आसला पर्यटन फुटेबे जिते बमती फुटा आसीज आम दबा गोटे गिना कंचा सुजी आउ सरुदाना बाला सुजी तो गोटे गिना सुजी ये ग्राम्स अढ़ेश ग्राम अच्छी जो गिनारे मापिकी मुझ दुई गिना पा नहीं ना सेम गिनारे मापिकी गोटे गिना नहीं सुजी जी सुजी तार डबल आपे पा आउ गैस फ्लेम को एकदम स्लो करी गोटे हाथ में सुजी को पकईबे आउ गोटे हाथ में गोलैबे एमती करने द्वारा आपंकर सुजी गोटा बांधन लम्स हेनी कंटिन्यूसली लो फ्लेम एमती गोल आउ जिते जिते आपने गोल गोल जीवे ये बहलिया हो गए डो फर्म को पलैस चेष्टा करेंगे ये बरा बनवाई टी सरुदाना सुजी नापी जदि सरुदाना सुजी नोटा दाना थी तेल सुजी को टी ग्राइंड करने किसी समय जंतला जंतणी कड़ेर छाड़ी आसला आउ गोटे जगार गदा होकर जंतणी रोचे एमती हेले जानवे जंतणी बढ़िया भाव में सीझी जाइए जिते जंतणी भलि सीझे आपणकर बराटा से परफेक्ट बनब एवं जंतणी तो सीझीगला गैस फ्लेम को बंद करी आगे कभर करी ये गरम आम पांच मिनिट पर छाड़ा ताकि जंतणी आउ टे भलि सीझीज पांच मिनिट पर जंतणी को गोटे प्लेट को बाहर करवा आउ टे खेल नवा जहाद्वारा कि जंतणी हाल्का टिके थंडा हो और जंतणी को भी अत्यधिक थंडा करदेवनी थंडा होगले कौन हम जंतणी शुखिला भलि चकटी होबनी बा स्मूथ बनबनी हाल्का उषुम थी से अवस्था जंतणी को आम चकटा तो चकटिया पूर्व एथेरे किसी कटाई धनिया पत्र देदेबा आपण चाहिए भूसम पत्र को छोट छोट कर काटिकी जंतणी बनैला समय व्यवहार करेंगे एवं आम तेल हाथ हो जंतणी को एकदम स्मूथ करकी चकटी नवा जहाद्वारा कि हाल्का जदि से लम्स गोटा थी सी भी प्लेन होकटी तो ये देखते जंतणी के एकदम प्लेन आ स्मूथ करके चकटी नहीं बरा बनवा स्टार्ट करवा बरा बनवा पूर्व हाथ में टी तेल को लगे तापर बरा बनइबे जहाद्वारा कि बरारे क्राक आसवनी बरा चिकण बन अल्प किसी जंतणी को हाथ में धरी यही फोल्ड करके चकटी नवा जो कि आम बरार चारि सैड्रे क्राक आसवनी प्लेन बनब बरा फोल्ड करके चकटी सारापर गोटे चिकण बल्टे बनई ना तापर हाल्का टिके फ्लाट करनवा आपड़ चाहिए बरार सेप यही प्लेन भी रखिपारे किंतु मुँह आज होल वाला बरा बनइबि आपज हिसाब से बरार सैज आउ सेप ये जो सेप्र बनातु ना कहीं कितु बरार चारि सैड एकदम क्राक फ्री रहा दरकार मानते चिकण बनवा दरकार क्राक रही तेल में पड़े बरा खोली आउ ता छड़ा बरा गुड़ाक छाणीला सुंदर देखाजन तो ये आंगुठी टी तेल नहीं कि मो बरार मझीरे होल कर दुई सैड्रु ये होल करने बढ़िया भाव में चिकण करी तो देखो केते सुंदर देखाऊँगी आ बिल्कुल भी देखो क्राक नहीं यही बरा बनवा दरकार तो गोटे बरा ये बनिकी रेडीगला ध्यान रखिए बरा गुड़ाक अति बड़ कि मोटा करके बनइबे छोट छोट करके बनइबे जहाद्वारा कि बरा मझूर सीझीपर
तो ये मुझे सब बरा गुड़ाक बनई कर रेडी 250 ग्राम सुजी में 21टा बरा बन कि रेडी तो एमती गढ़ी सारापर बरा को आपड़ चाहिए जदि जेकोसी एयरटाइट कंटेनर भितर भरिक फ्रिज भितर 8-10 दिन पर्यंत स्टोर करें जिते बड़े आपको किसी खावाक चटपटा इच्छा हे ना आपने फ्रिज रु बाहर करेंगे छाणी सांगे सांगे खाई सब बरा तो गढ़ी नहीं चीज एवं चलां बरा को आम छाणी तो बरा को छाणी तेल टी अधिका परिमाण ने जहाद्वारा कि बरा भल भाव में बुड़ी छाणी हो पारे आम गैस फ्लेम को हाई करके तेल को गरम करवा तेल भल भाव गरम होना जानापी जंतणी अल्प टिके तेल में पकईवा ध्यान रखिए ए बरा को छाणी अत्यधिक धूआ करके तेल को गरम करेन सेमती कले कौन हम बरा पको पको बरा उपर कलर होतर सीझे कि देखू जंतण जिते आम तेल में पकेले जंतणटा तेल उपरको आसापी टी टाइम लगेगा एमती ही तेल आमको गरम ये दरकार आज जदि तेल आपंकर ठीक से गरम होने बरा को पकईदे आपंकर बरा तेल में पड़ापुर खुली और बरा गुड़ाक तेल बहुत पीब से तेल को आपने ध्यान रखिक गरम करेंगे आ बरा को छाणी तो तेल गरम होगापर बरा को मुझे पकईची आउ गोटे कथा जी आपर कड़े धरू से बरा पकातु अत्यधिक बरा पकई दिंतुनि सेमती कले कौन हम आपर बरार सेप्टा खराब हो आ बरा को तेल में पकु पकु जालचटू लगे सेमती कले कौन हम बरार सेप्टा खराब हो 2-3 मिनिट तेल टिके बरा सेट हो गला बरा को आपण मैंने ओल्टेबे आ गैस फ्लेम को मीडियम हाई रखिक बरा को शेष पर्यंत कलर है पर्यंत छाणी बरा को छाणला बेले गैस फ्लेम को बिल्कुल भी स्लो करें सेमती कले कौन हम बरा गुड़ाक बहुत तेल पीब गैस फ्लेम को मीडियम हाई रखिक बरा को कलर है पर्यटन फ्राए करेंगे तेरे देखते बढ़िया भाव में फ्राए होगा बरा ये बरा को बनवाई आम सोडा इनो किसी भी व्यवहार करनी तथा देखूँ बरा के बढ़िया भाव में फुली आते सुंदर बनी गोटे भी बरा तेल में खोलनी किसी टीप्स को आपड़ी ध्यान रखिक बरा को बनइबे तेल बरा नो डाउट परफेक्ट बनबो आ बरा को 4 साइड्रु एकदम कलर करके कुड़मुड़िया करके छाणी बरा खावाक भल लगे निश्चय बनातु ये बरा केमी लगे आपंक अनुभूति मो सहित सेयार करूँ तो आज रोचे पुणी आसबि आ गोटे नुआ रेसीपी नहीं कि से पर्यटन रही नमस्कार बाय जय जगन्नाथ।